गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम एप्लीकेशन लिखेंगे इंग्लिश बी कॉपी में। अपनी इंग्लिश बी की कॉपी ओपन करें। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, वेडनेसडे कॉमा दिसंबर 9, 2020, सी डब्ल्यू राइट करेंगे और उसके बाद मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन, ए डबल पी एल आई सी ए टी आई ओ एन, एप्लीकेशन। इसको डबल अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद है फोकस, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, इसको भी डबल अंडरलाइन कर देना है। ये हमारा एप्लीकेशन है अर्जेंट पीस ऑफ वर्क का। अब हम लाइन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। टू कॉमा टू का टी कैपिटल लिखना है, कॉमा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में कॉमा के नीचे ही हमने स्टार्ट करना है द प्रिंसिपल। द का फर्स्ट वर्ड कैपिटल, प्रिंसिपल का भी फर्स्ट वर्ड हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। इसके बाद कॉमा लगा देंगे। इसके नीचे ही हमने स्टार्ट करना है आई सी एम एस, कैपिटल फॉर्म में लिखना है। स्कूल सिस्टम, स्कूल का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल और सिस्टम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है और कॉमा लगा देना है। इसके बाद इसके नीचे ही हम स्टार्ट करेंगे वर्सक रोड पेशावर। वर्सक फर्स्ट लेटर कैपिटल, रोड फर्स्ट लेटर कैपिटल और पेशावर का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना है। इसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। टू कॉमा द प्रिंसिपल कॉमा आई सी एम एस स्कूल सिस्टम कॉमा वर्सक रोड पेशावर और फुल स्टॉप लगा देना है। इसके बाद हम लाइन के साथ ही स्टार्ट करेंगे मैडम कॉमा, मैडम का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे। फिर हमने मैडम के बाद जब कॉमा जहाँ पे लगा है उसके नीचे ही हमने स्टार्ट करना है विद, विद का फर्स्ट लेटर कैपिटल। विद ड्यू रिस्पेक्ट कॉमा इट इज़ स्टेटेड दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, फुल स्टॉप लगा देना है। काइंडली, काइंडली का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, फुल स्टॉप लगा देना है। अब पेज पे नीचे जगह नहीं है, हमने नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करना है। हमने पेज उसी तरह प्रिपेयर करना है, डेट मेंशन करनी है, वेडनेसडे कॉमा दिसंबर 9, 2020 और सी डब्ल्यू राइट करना है। उसी तरह मार्जिन लाइन ड्रॉ कर देनी है। और अब हमने लिखना है लाइन के साथ ही, जैसे हमने पीछे कॉपी पेज पे हमने लीव फॉर वन डे लिखा था और फुल स्टॉप यहाँ पे हमने फिनिश किया था, हमने नेक्स्ट पेज पे उसी तरह लाइन के साथ ही स्टार्ट करना है। थैंक यू और कॉमा लगा देना है। थैंक यू का फर्स्ट लेटर कैपिटल। अब इसके नीचे ही हमने लिखना है योर्स, योर में अपोस्ट्रॉफी एस ओबीडियंटली, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और योर्स का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना है। योर्स ओबीडियंटली और कॉमा लगा देना है। इसके बाद इसके नीचे ही स्टार्ट करना है आयशा अली यानी अपना नेम लिख लेना है और कॉमा लगा देनी है। और फिर इसके बाद क्लास टू, इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, टू का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल और कॉमा लगा देना है। अब हम लास्ट में डेट मेंशन करेंगे, जैसे आज की डेट है 9/12/2020। अब ये हमने एप्लीकेशन फिनिश कर दिया, अपनी कॉपी में राइट कर लिया, हमने एंड में एंडिंग लाइन लगा के अपना काम फिनिश कर देना है। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।